एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियाम्बल को हटाया गया है। प्रियाम्बल हमारे संविधान की आत्मा है। क्या आप बहुत कुछ जानते हैं? अपने बातों से ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा देखने में आया है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पढ़ने में आया है। देखने में, सुनने में और पढ़ने में नहीं, किस सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए। संविधान के ऊपर डाका तो डाला गया 25 जून 1975 रातों रात, एक बार नहीं, 90 times चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई है तो इन्होंने उड़ाई। आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी दैट ही विशेस टू रेज एन इश्यू ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस इन द राज्यसभा एंड द सब्जेक्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू हिज इनपुट देर इज अ मूव अफुट टू एंश्योर दैट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी ट्रीटेड not the way it should be under NCERT books. Now I find, sir, one second, I find this is an apprehension. This according to your communication ये लिखा है हमें ऐसी जानकारी मिली है, नहीं नहीं सर, जानकारी मिली है ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं जानकारी मिली है, जानकारी मिली है, ये किस सोर्स से मिली है वो मैं भी कहूंगा और आप भी जानते हैं। मैं नहीं जानता सर, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सबको ऐसा अपने बातों से ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये हमेशा आप बोलते हैं। बहुत ही कुछ हुआ तो मेरे चैम्बर में आओ, तो ये इसीलिए सर मेरा। पर आप कभी चैम्बर में आए ही नहीं। नहीं मैं सर, एक काम कीजिए, आज आप मेरे चैम्बर में ये डिस्कस करने के लिए आइए। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है और ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियाम्बल को हटाया गया है और टेक्स्ट बुक्स में संविधान का प्रियाम्बल अब तक प्रिंट हुआ करता था। पहले प्रियाम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, ये हमारे संविधान और लोकतंत्र का फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इनके वैल्यूज को दर्शाता है। ये इतना रहते हुए भी, और एक बार मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात चली और भाषण भी हुआ, जब 25 नवंबर 1949 को ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल, ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as the separate items in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to avoid to diverge one from the other is to defeat the very purpose of democracy. आप सभी इस बात के बात से सहमत होंगे कि हर नागरिक को और खास तौर पर हमारी
भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं, लोकतंत्र संविधान और उसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज के बारे में जानना ही चाहिए। हमारे महान नायक महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अन्य आजादी के आंदोलन में इन मूल्यों के लिए कितनी कुर्बानी दी है ये आप जानते हैं। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले तो बाबा साहेब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर सर, योर सब्जेक्ट यू आर डिबेटिंग, नहीं एक ओके ओके मैं छोड़ के ऑर्डिनरी जेस्चर किया। नहीं, आपको क्यों इतना दर्द होता? हम जो कहते हैं हम कहते नहीं, उसको अगर रिप्लाई देना है तो देने दो। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर अलग किया, फिर संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। पर मैं चेतावनी देता हूँ कि ऐसे बदलाव देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है, और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। हाल के दिनों में Nothing has been gone record now. And I will look into what has to be deleted. Last 4 minutes to be deleted. Please, I'll give you permission. Please take your seat. Leader of the House will speak after that. I don't want... One second. What is this? If leader of the opposition or leader of the house speak, they have to be heard in rapt attention. What they speak, the chair is there to look into it, number one. And number two, sir, the issue, we are digressing. Sir, I will be constrained to... एक मिनट में खत्म करता हूँ। सर, मैं इस विषय में सरकार से मांग करता हूँ कि पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तत्व सदन के सामने रखे, इस मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और संविधान के बारे में अपना कदम वापस ले। जो एनआरसी अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं यह अच्छा नहीं है। थैंक यू। इसीलिए और मैं, आपने मुझे कई में है कहा है ये आपने पूछा सर, ये है एक्स फॉल्स ऑन प्रियामल इन स्कूल टेक्स्ट बुक। सर 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 सुनिए, सुनिए सुनिए सर सर सर, यू मेड योर पॉइंट, जीरो आवर सर। और सर, इसको मोदी साहब ने नमस्कार कर रहे हैं पेपर डी नॉट बी शोन सर, और उन्होंने ही इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। सर, डजंट बिहेवियर स्टेटस टू शो पेपर, पेपर इज अनडिग्निफाइड, डोंट से। यू मेड योर पॉइंट, इट इज सर, दैट्स व्हाई आई विल सी व्हाट हैज टू गो सर, यू आर चेंजिंग द सिलेबस, लीड आउट द हाउस। आज हाउस बहुत तरीके से चल रहा था और वातावरण भी बड़ा अनुकूल था। विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया जिसके कारण भावनाएं दोनों तरफ से भड़की और इस तरीके से विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया उसमें से एक ध्वनि प्रतिध्वंदित करने की कोशिश की गई कि शायद संविधान के प्रियाम्बल और संविधान की मूल धाराओं से कुछ छेड़छाड़ होने की बात है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है और जो बात वो हाउस में कहती है वो जिम्मेदार पूर्ण तरीके से कहने का प्रयास करती होगी, लेकिन मुझे आज उनके बुद्धिमत्ता पर भी और उनके
और उनके नियतन और उनके नियतन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा देखने में आया है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पढ़ने में आया है। मुझे लगता है कि इस हाउस में कोई भी वक्तव्य देने के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के विपक्ष के नेता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि देखने में, सुनने में और पढ़ने में नहीं, किस सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए। और सोर्स सभापति जी कभी भी अखबार की कतरने नहीं होती है, सोर्स ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होता है। दूसरी बात, मैंने ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखी है, ना मैंने चेंज देखा है, लेकिन मैं यहां पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जितना संविधान को इज्जत देकर के आगे बढ़ने का तय किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। और प्रियाम्बल के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता, वो अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, दिस गवर्नमेंट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ मोदी जी इज कमिटेड। तीसरी बात, यह संविधान सभा को और संविधान सभा को याद करने के लिए 2014 की 26 नवंबर के संविधान दिवस के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा, यह बताता है कि दिस गवर्नमेंट विच केम इन 2014 अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 26th ऑफ नवंबर डिसाइडेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस मनाया गया। इसी के साथ साथ मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संविधान के ऊपर डाका तो डाला गया, 25 जून 1975 रातों रात, और एक बार नहीं 90 times चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई है तो इन्होंने उड़ाई। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आपकी सरकार ने दो बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और डीआईआर में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है, प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी।